सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल रिव्यू वाला को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा लेटेस्ट रिव्यूज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हे गाइस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रिव्यू वाला, जहाँ पे मिलती है आपको बेहतरीन रिव्यूज, एक्सप्लेनेशंस, ट्यूटोरियल्स और भी बहुत कुछ। तो चलिए दोस्तों, गाइस फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में रिव्यू वाला रिव्यू करेगा एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट के बारे में। काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है मार्केट में, काफ़ी अच्छी खासा इसका नाम है मार्केट में, और क्वालिटी के हिसाब से बात करें तो भाई बहुत बेस्ट है, काफ़ी रेनाउंड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो बुक है इसके बारे में क्या प्लस माइनस है वगैरह वगैरह। तो गाइज़ लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, यहाँ पर है आपके सामने NCERT की बायोलॉजी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास ट्वेल्थ की बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक है NCERT की। काफ़ी पॉपुलर है ये, और शायद ही ऐसा कोई नीट एस्पिरेंट या मेडिकल एस्पिरेंट या बोर्ड का ऐसा बच्चा होगा जो इस बुक के बारे में न जानता हो। काफ़ी पॉपुलर बुक है, इवन हर कॉम्पिटेटिव टीचर इसको रिकमेंड ज़रूर करता है कि भाई अगर नीट क्लियर करना है और NCERT नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। तो वाकई बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, उनके लिए एक छोटा सा इसका एक रिव्यू किया जाए कि भाई इतनी पॉपुलर प्रोडक्ट है और रिव्यू वाला पे रिव्यू ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बायोलॉजी दिख रहा है, और फ्रंट पेज काफ़ी अच्छा है। बैक साइड की बात करें तो बायोलॉजी क्लास ट्वेल्थ NCERT की है। बैक पोर्शन पे देखें तो यहाँ पे NCERT का लोगो मिल जाता है आपसे, और यहाँ पे लिखा है विद्या से अमृत प्राप्त होता है, लाइफ इटर्नल थ्रू लर्निंग। तो काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्लस माइनस, किस तरीके से अरेंजमेंट्स हैं, कंटेंट्स किस तरीके से दिए गए हैं, या जो भी चैप्टर्स हैं उनका किस तरीके से अरेंजमेंट है। वन बाय वन हम सारी चीज़ों को देखते हैं और बताते हैं, इसका एक छोटा सा रिव्यू करते हैं। तो ये मैंने इसे ओपन कर लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ मेंशन है, स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर यूजर्स टू एसेस ई रिसोर्सेज लिंक टू QR कोड्स। सिंपल है, NCERT की PDF है, तो चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जो पूरा मेथोडोलॉजी दिया गया है यहाँ पे कि आपको पहले क्रोम खोलना है, ई पाठशाला वेबसाइट पे ये QR कोड देने दिया है। ठीक है, लर्निंग के लिए बेसिकली NCERT की PDF आप कह सकते हो, यहाँ से भी आप PDF ले सकते हो। ठीक है, QR कोड मेंशन है यहाँ पे, बायोलॉजी मेंशन है, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास ट्वेल्थ। जैसा कि मैंने आपको इसके पिछले, मैंने एक और वीडियो बनाई थी NCERT की टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th बायोलॉजी के लिए, तो वो जो एडिशन था वो ओल्ड था, ये एडिशन न्यू है, लेकिन कंटेंट्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। NCERT के कॉन्सेप्ट्स बहुत जल्दी चेंज होते नहीं हैं। ठीक है, और बायोलॉजी की बात करें तो 11th में सिर्फ एक पार्ट है, 12th में सिर्फ एक पार्ट है, ये बात मैंने उस वीडियो में भी बताई है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में 11th में दो है और 12th में दो है, तो टोटल चार बुक्स हो जाएंगे 11th मिला के, लेकिन बायोलॉजी में सिर्फ दो बुक्स होती हैं। एक बुक की मैंने रिव्यू कर दी है, ये सेकंड बुक है। ठीक है, तो चलिए मैं इसे और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप MRP देख सकते होंगे, 195 रुपये, 195 MRP दी है, एंड ये जो बुक है वो 80 GSM के पेपर पर प्रिंट हुई है विथ NCERT वाटर मार्क। एडिशन जो है वो January 19 है, और यहाँ पे आप देख सकते होगे पब्लिशन टीम है उनका, डिटेल्स दिया गया है। तो काफ़ी प्रिंट क्वालिटी की बात करें तो NCERT की जितनी भी बुक्स आती हैं उनकी प्रिंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी खासी होती है। मे बी कभी कभी कोई ऐसा बुक होता है जिसको मान लो प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट NCERT की बात करें तो प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, और उनकी जो जैसे प्रिंट जो है, लेटर्स जो वर्ड्स दिए गए हैं ये भी काफ़ी अच्छे से प्रिंट हुए हैं, पेपर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें प्रीफेस मिल जाता है, और आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत ज़रूरी है नहीं। यहाँ पर बुक डेवलपमेंट कमेटी का पूरा डिटेल दिया गया है। NCERT की खास बात यह है कि एक NCERT को कोई लिखने वाला एक पर्टिकुलर एक या दो बंदे नहीं होते हैं, ये जो बुक है ये एक ऑर्गेनाइजेशन की है, जैसे NCERT। ठीक है, तो ये NCERT एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, या एक मतलब एक तरह से एक ग्रुप समझ लो,
तो NCERT जो है वो एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, और इस एक किताब को लिखने के लिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। मोस्टली जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, PhD ओनर्स हैं, जितने भी हैं, उनसे सजेशंस लिया जाता है हर चैप्टर के बारे में। कई टॉपिक्स कई लोगों से लिए जाते हैं, सबका मिला के जो निचोड़ निकाला जाता है वो इस बुक में होता है। तो यही NCERT को बाकी बुक से अलग बनाता है, क्योंकि बाकी जितने भी बुक्स हैं जैसे कि अरिहंत हुआ या GRB हुआ, उसमें क्या है कि कोई किताब एक या दो लोगों ने मिलकर कंप्लीट की है, लेकिन NCERT में ऐसा नहीं है। यहाँ पे टीम वर्क होता है और कई सारे लोग मिलकर इसे कंप्लीट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी लंबा चौड़ा डिटेल्स दिया गया है यहाँ पे, जितने भी मेम्बर्स हैं टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट मेंशन है, यहाँ पे आप इसे पढ़ भी सकते हो। कंटेंट्स दोस्तों द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे हमें मिल जाता है। कंटेंट्स यूनिट 6 से स्टार्ट है, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 मैंने क्लास 11th की जो बायोलॉजी NCERT की उसकी रिव्यू की है उस पर मैंने बता दिया है। 5 यूनिट उसमें है और 5 के बाद जितने यूनिट्स हैं टोटल इसमें। ठीक है, यूनिट 6, 7 एर्थ, और देखते हैं कितना है, 9th और 10th, टोटल 10 यूनिट हैं दोस्तों और फ्रेंड्स। और हर यूनिट में कई सारे चैप्टर्स हैं, ऑलमोस्ट एक यूनिट में 2 या 3, 4 चैप्टर्स हैं ही हैं, आप देख सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 16 चैप्टर हैं, यहाँ पे 16 चैप्टर्स हैं। चलिए कोई एक चैप्टर हम देखते हैं, उसमें बारे में देखते हैं क्या दिया है, कैसे दिया। चलिए 143 पे चलते हैं, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो हम आ चुके हैं दोस्तों पेज नंबर 143, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो यार NCERT की सबसे अच्छी बात यह है कि जो बुक्स होते हैं काफ़ी कलरफुल होते हैं, तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा होता है, पढ़ने मज़ा भी आता है, हम बोर नहीं फील करते हैं। मोस्टली जितनी भी बुक्स रहती हैं वो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट में ही होती हैं, लेकिन NCERT में ऐसा नहीं, ये काफ़ी कलरफुल बुक्स बनाते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है बाकी बुक्स के से कंपेरिजन में देखा जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर मेंशन है, ये यूनिट है, आप चाहो तो इसका पढ़ सकते हो। NCERT का कुछ भी फालतू नहीं होता, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्ज़ाम में। जो भी NCERT के कंटेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे खासे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो, तो ध्यान देना आप। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोफेसर दिए गए हैं MS स्वामीनाथन। तो ये जो डिटेल्स दी गई है, पहले जब एम्स का सर्सन रीजन होता था तो उसमें कभी कभी ऐसा होता था क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते थे, तो नीट में भी पूछ सकता है, बहुत लेंदी नहीं है, अगर आप चाहो तो टाइम निकाल के पढ़ सकते हो। तो दोस्तों फ्रेंड्स, यहाँ पे आ चुका है चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज। NCERT में एक चीज़ यार अलग की है, आपकी QR कोड दे दिया है इसने, तो आप चाहो तो इसके स्कैन करके डायरेक्ट इसके लिंक पे पहुंच सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर का मैं एक छोटा सा रिव्यू करूंगा, अरेंजमेंट कैसा है, क्वेश्चंस कैसे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज आप देख सकते होंगे, टॉपिक्स यहाँ पे दे चुका है। यहाँ पे 8.1 कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, तो टॉपिक्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। प्रिंटिंग काफ़ी अच्छी है और पेज भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, जो मैटर लिखा हुआ है वो काफ़ी छोटा नहीं है, अच्छा खासा है, पढ़ने लायक है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि हौच पौच बहुत जैसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हटाया गया है कि पेज में सारा एडजस्ट किया गया है, ऐसा नहीं है, भरपूर जगह लेके यहाँ पे प्रिंट किया गया है। आप देख सकते होंगे कुछ भी इतने इतने जगह छोटे हुए हैं, तो सबसे अच्छी बात है अगर आप पढ़ रहे हो अगर आप पढ़ रहे हो तो ऐसा, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है या इंपॉर्टेंट लाइन या आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने हिसाब से मिलती है तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, तो ये बहुत बेस्ट होता है, आप यहाँ पे बड़ी आसानी से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते होगे मेंशन दिया है चार्ट फ्लो चार्ट। तो NCERT में क्या है कि टेक्स्ट तो दिए गए हैं, टेक्स्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, एक्सेस नहीं है, लेकिन टेक्स्ट के साथ साथ सबसे अच्छी बात यह कि फ्लो चार्ट्स काफ़ी अच्छे खासे मात्रा में दिए गए हैं। हर चैप्टर में कलरफुल फिगर्स हैं, ग्राफ्स हैं, फ्लो चार्ट हैं, कंपेयर चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, सारी कुछ हैं। जैसे आप देख सकते हो ये फ्लो चार्ट दिया है फिगर के माध्यम से, और प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट का ये एक फ्लो चार्ट दिया है, तो मेमोराइज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे डिजीजेस के बारे में दिया है, ये आपका
एलिफेंटियासिस डिजीज़ है उसके बारे में दिया गया है, रिंग वॉर्म का बारे में बताया गया है, ठीक है। तो फिगर रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है, एनसीईआरटी में फिगर काफ़ी कलरफुल है, और जो भी इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ब्लैक कलर से थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है, तो जो काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कलरफुल जो चार्ट्स हैं अलग अलग से दिए गए हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि यही सेम फिगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो ये आप हमेशा ध्यान देना, इसको लाइटली मत लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आप देख सकते होंगे छोटे छोटे हेडिंग्स हैं, एक्सप्लेनेशन हेडिंग एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल यहाँ पे भी फ्लो चार्ट के थ्रू दिया गया है। तो एनसीईआरटी में आपको भरपूर फ्लो चार्ट मिलेगा, टेबल्स मिलेंगे, ग्राफ मिलेंगे, और सबसे अच्छी बात ये वो सारे कलरफुल होते हैं। बिल्कुल आप देख सकते होंगे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ब्लैक कलर से बोल्ड कर दिया गया है, आप देख सकते होंगे टोटल। और बिल्कुल काफ़ी अच्छी खासी प्रिंटिंग है। आइए आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट मैटर अच्छा खासा दिया लेकिन बहुत बोरिंग नहीं करेगा आपको। हाँ, द फाइनली लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज समरी, हर चैप्टर के लास्ट में आपको दोस्तों समरी ज़रूर मिलेगा, और समरी को कभी छोड़ना मत, छोटा है लेकिन यार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी ये, तो अगर आप सब पढ़ो समरी भी ज़रूर पढ़ना, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद लास्ट में हमें मिलती है एक्सरसाइजेस, ये क्वेश्चंस देखने में छोटे मोटे लगते हैं लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी वेटेज भी रखते हैं। नीट एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, तो ये एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। जो नीट का जो बाकी ट्वेल्थ का पोर्शन है, इलेवन से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछते हैं लेकिन ट्वेल्थ से भी पूछते हैं, तो इसे लाइटली मत लीजिएगा, ज़रूर पढ़िएगा। लास्ट में आपको कुछ सप्लीमेंट्री मटेरियल जैसा कुछ नहीं मिलता यहाँ पे, आप देख सकते होगे कुछ भी नहीं। तो दोस्तों ये रही इस पूरे बुक की एक फुल कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू रविवाला की तरफ से। रविवाला इस बुक को 5 में से 5 रेटिंग ज़रूर देगा, जैसी इसकी MRP है 195, और जिस तरह से इसका प्रिंटिंग कॉस्ट है, प्रिंटिंग क्वालिटी है, फिगर जैसे दिए गए हैं, एक्सरसाइजेज, समरी, वो सब काफ़ी अच्छे हैं, तो 5 में से 5 रेटिंग ज़रूर बनती है। दोस्तों ये कोई प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक नहीं, ये एक सरकारी किताब है, इस वजह से इसके दाम भी कम है, लेकिन जो इसमें मैटर दिया गया वो काफ़ी वेटेज रखता है अच्छा खासा एग्ज़ाम में। इवन जितनी सारी भी कॉम्पिटेटिव बुक्स हैं मार्केट में वो सब कुछ NCERT पे ही बेस्ड होती हैं, तो NCERT आप ज़रूर पढ़िए, इसको अपना एक बिग बेस बुक मान के चलिए कि क्वेश्चंस घूम फिर के यहीं से आते हैं, ठीक है, तो कभी इसको लाइटली मत लीजिएगा। और अगर आपको ये बुक परचेस करनी हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट, आप इसे परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो आप किस प्रोडक्ट के देखना चाहते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और प्लीज़ अपना आशीर्वाद बनाइए, अपना आशीर्वाद हमें दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है, आप जैसे ऑडियंस की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, ट्यूटोरियल, कुछ भी हो सकता है। तब तक के लिए दोस्तों रिलैक्स रहिए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए, टेंशन फ्री। थैंक यू।